बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 3। दिस इज आवर यूनिट नंबर 3। इट इज अबाउट फ्रैक्शंस इन एंड दिस इज आवर लेसन नंबर 2। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3A। तो यहां पर मैं आपको जस्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी बताऊंगा, आप लोगों ने सॉल्व इसे खुद करना है और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सॉल्यूशन मैनुअल के साथ टैली करना है और देन फिर उसके बाद अपनी नोटबुक या बुक जो है वो अपने टीचर को सबमिट करवानी है। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो है वो लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो अब आ जाए एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 1। जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे तो क्वेश्चन जो गिवन होते हैं उनके स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ लिया करें और फिर दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें और फिर उसको सॉल्व करें। मैच द करेक्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, मींस के आपके पास ऊपर जो फर्स्ट रो है ये वाली रो, इसमें आपने आपके पास कुछ फिगर्स या शेप्स गिवन है, कुछ जो है वो शेप्स गिवन है। इन शेप्स को आपने ये जो फॉर्म है फिगर्स वाली इनके साथ मैच करना है। देखिए ये इसमें कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 3 शेप्स। तो इनमें कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 3। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। So, 3/4 कहां पे आएगा, ये उसके साथ मैच कर दिया। सिमिलरली सेकंड जो शेप है उसमें कितने पार्ट्स हैं, 2, और शेडेड कितने हैं, 1। सो 1/2 कहां पे आ गया, जी आ गया। सिमिलरली आपने बाकी सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट, शेयर द गिवन फिगर्स, ये जो शेप्स हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन दी हुई है फिगर्स वाली, इसमें आपने इन शेप्स को शेयर करना है। देखें 5/16 टोटल पार्ट्स कितने हैं, 16, और शेयर कितने करने हैं, 5। तो कर दें 1, 2, 3, 4 और एक ये हो गया, ये शेप शेड हो गई। सो डू इट। इसी तरह बाकी के सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स फॉर्म, आपने अब फ्रैक्शंस को वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है। फिगर्स फॉर्म में आपके पास गिवन है, आपने उनको वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है। सो 3/8, 2/3, ये फर्स्ट जो है वो सॉल्व किया हुआ है, बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राइट एंड शेयर द बिलो फिगर्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, मींस के ये जो वर्ड फॉर्म है वो गिवन है, आपने फिगर्स फॉर्म में राइट करना है और दी गई शेप्स को आपने शेड करना है। जैसा कि 5/6 है ये फिगर्स फॉर्म और ये जो वर्ड फॉर्म थी और फिर ये जो शेप को देखकर आपने इस तरह जिस तरह ये शेड की हुई है इस तरह आपने सारी शेप्स को शेयर करना है। जिस तरह 9/10 है इसके जो 9 पार्ट्स हैं उनको शेयर कर दें थर्ड वाली में और 1 को छोड़ दें, तो आपके पास पूरी जो शेप है वो बन जाएगी और उसको हम लोग इस तरह 9/10 राइट कर देंगे। सिमिलरली आपने बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं वो खुद कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या करना है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को गौर से रीड करें और इसे रीड करने के बाद फिर इसको सॉल्व करें। मेथोडोलॉजी आपने वही यूज करनी है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। क्या मेथोडोलॉजी है कि आपने रीड स्टेटमेंट को, यहां पर वर्ड प्रॉब्लम आए उसको 4 स्टेप्स में आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप है आपके पास रीड द प्रॉब्लम, रीड, एंड सेकेंड इज प्लान टू सॉल्व, एंड थर्ड वन इज सोल्यूशन, मेक अ सोल्यूशन आर सॉल्व, एट द एंड चेक यूर सोल्यूशन।
सो इन फोर स्टेप्स को आपने फॉलो करते हुए अपनी हर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो देखें इसको, प्रॉब्लम को रीड करें, इंस्ट्रक्शंस क्या है. इफ अहमद ईट्स 3/8 पार्ट्स ऑफ अ पिज्जा, अहमद के पास टोटल पिज्जा, एक पिज्जा है और उसके 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से उसने 3 पार्ट्स जो हैं वो खा लिए हैं. अब करना क्या है, यहां तक तो जो चीजें हैं हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है इस स्टेटमेंट का, और उस सेकंड पार्ट में क्या है, राइट रिमेनिंग पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, जो बाकी बच जाते हैं उनको आपने फ्रैक्शन में राइट करना है. देखिए जैसा कि यहां पर पिज्जा दिया हुआ है और उसमें ये जो 3 पार्ट्स हैं ये उसने खा लिए हैं, बाकी पार्ट्स कितने बचते हैं चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, और टोटल पार्ट्स कितने थे, 8. सो अब आप 3 उसने खा लिए और बाकी 5 बच गए, सो हम लोग फ्रैक्शन में इस तरह राइट कर देंगे 5/8. सिमिलरली आपने हर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया सॉल्यूशन है उसके साथ टैली करें और अपना सॉल्यूशन टीचर को सबमिट करवा दें. अब आ जाए क्वेश्चन 6 की तरफ. क्वेश्चन 6 में क्या है, राइट मिसिंग डिनोमिनेटर्स एंड नोमिनेटर्स इन द फ्रैक्शन. इसमें हर पार्ट में कोई ना कोई हिस्सा मिस है फ्रैक्शन का, ऑब्जर्व करें गिवन शेप को और उसके मुताबिक जो है फ्रैक्शन को फिगर फॉर्म में राइट कर दें. अब यहां देखें पार्ट ए क्या है, पार्ट ए में स्क्वायर है और उस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 2 जो है उसमें से शेडेड है और 4 पार्ट जो है टोटल यहां पर राइट कर दिए हैं. मिसिंग क्या है, जो शेडेड पार्ट्स हैं वो मिसिंग है, उनको हमने यहां पर राइट कर दिया. सिमिलरली बी सी और डी पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है. अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, सॉल्यूशन मैनुअल ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं. तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, आई होप के आप लोगों को समझ आ गई है कि किस तरह आपने अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. अल्लाह हाफिज़.